बाहर ले जा, बाहर ले जा इसमें, बाहर ले जा, बाहर ले जा इसमें, बाहर ले जा इसमें भाई, बाहर ले जा, बाहर ले जा, कौन नहीं करता है वो, ले जा बाहर, ले जा, बाहर ले जा, बाहर ले जा, बाहर ले जा, एक बार गेट बंद कर यार, पेमेंट भी पूरी लग रही है ना आगे की, 31,000 रुपए हम क्रॉस हो रही है ये। अच्छा हाँ, तो उसकी 3 महीने की गारंटी होती है। अच्छा, तो अब ये है ना दोबारा उसी पेमेंट में हो जाएगी आगे की। हाँ जी सर, बहुत कुछ सीखने को मिला है हमें। हम प्रेगनेंसी डायग्नोसिस जो कर रहे हैं अलग अलग एलिमेंट्स में, जैसे मेयर हो गई, कैटल हो गई, इन सब में हमने देखा। कॉलेज में ए फर्स्ट क्लास पढ़ाई है सर, हमारे अलग अलग टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, सारे अपने एरिया के एक्सपर्टीज हैं सबके पास। फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं हमारे, जैसे हॉस्टल की फैसिलिटी, या आप मान लो कि कॉलेज में पढ़ाई की जो फैसिलिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है। हर एक डिपार्टमेंट्स के 3-3 एक्सपर्ट्स हैं हमारे लिए, हमारे क्लिनिकल वर्क्स होते हैं, टाइम टू टाइम कैंप्स होते हैं, विजिट्स होती हैं काफ़ी जगह, हमने विजिट्स भी किया है जो लोग फैसिलिटीज़ हो, जैसे डेयरी प्लांट की विजिट थी जो हमने की है। कोई भी पशुपालक अपने पशु को लेकर के किसी भी समय किसी भी इमरजेंसी में वहाँ आ सकता है, उसको जो सुविधा दिन में प्राप्त हो रही है वही की वही सुविधाएं, वो चाहे किसी भी समय आता है तो वहाँ उपचार की, जांच की सब सुविधाएं उसी भांति उसको सदैव उपलब्ध रहेंगी। ये कि ये तो गरीब की गाय है, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो बकरी गरीब की गाय रही नहीं है, ये गरीबों को गरीबी से निकाल के अमेरिकी की तरफ ला रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी, मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ और उपस्थित हूँ आज खास तौर पर एक, वैसे तो अनेकों मेले आपने देखे होंगे लेकिन ये पशु चिकित्सा मेला है अपने आप में। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अलग अलग जो है ना पशु यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेंगे। यहाँ निःशुल्क चिकित्सा परामर्श जो है वो कैंप लगाया है RPS वेटनरी कॉलेज की तरफ से। आप कह सकते हैं कि RPS जो है मल्टी स्पेशलिटी पशु अस्पताल बलाणा की ओर से, यहाँ पर जो आमजन है वो अपने पशुओं को लेकर आ रहे हैं, निःशुल्क परामर्श ले रहे हैं और साथ में जो दवाइयाँ भी यहाँ पर उपलब्ध करवाई जा रही हैं। तो यहाँ कुछ डॉक्टर से और कुछ भावी डॉक्टर से और ग्रामीणों से करेंगे बातचीत। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। जी अभी यहाँ पर इलाज जारी है, एक बार चेक करेंगे, दिखाओ भैया आगे आ जाओ। अगर उसे स्पेशल प्रोडक्ट्स बनाए जाए, बकरी के दूध में काफ़ी सारे औषधीय गुण होते हैं जिसकी वजह से उसकी जो वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है। इवन कई बीमारियाँ ऐसी हैं जिनमें डॉक्टर स्पेशली बोलता है कि आपको बकरी का दूध पीना है, या जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताना चाहूँगा, जैसे डेंगू की बीमारी है या छोटे जो बच्चे होते हैं उनके लिए डॉक्टर स्पेशली कहता है कि उनको बकरी का दूध पिलाना, या फिर जैसे किसी के हाथ पैर में चोट लग जाती है या फिर किसी को हड्डी टूट जाता है, 5 जानवरों का 10 जानवरों का 50 जानवरों का फार्म खोलना है, मिनिमम उसमें कुछ लिमिट है 5-10 जानवरों की, तो उसके हिसाब से वो आपको एक फाइल बना के देना जिसको बोलते हैं फार्म इकोनॉमिक्स, और उसके बेसिस पर बैंक से आप लोन लेके ये व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि वो पूरे 5 साल का लेखा जोखा उस फाइल में बना के देते हैं कि आपका फार्म लगाने का खर्चा। जी डॉक्टर साहब, एक बार बताएं कि क्या बीमारी थी जी, चलाने के दौरान कितना अभी आएगा। हाँ हाँ जी, नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपक जी। इस घोड़ी को हमने देखा तो इसमें ये भूचावास हैं इसके मालिक, हमने इसको देखा तो इसमें प्रेगनेंसी डायग्नोसिस के लिए ये यहाँ पे लेके आए थे पिड्डी करवाने के लिए। तो घोड़ियों में पिड्डी है वो 1 महीने पे हाथ से हम कर सकते हैं, बाकी हमारे कॉलेज में 20 दिन पे ये सुविधा उपलब्ध है। ठीक है, तो ये घोड़ी को जांच के लिए लेके आए थे लेकिन ये घोड़ी अभी खाली है, तो इससे फ़ायदा ये हो गया कि अगर ये 11 महीने इंतज़ार करते तो इनको बहुत आर्थिक नुकसान होता, तो अभी इन्होंने 2 महीने पे हमसे चेक करवा ली तो इनके 8-9 महीने बच गए हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि और अभी जैसे आपने कैंप में देखा दूसरी घोड़ी भी आई हुई है, गाय भैंसे और ये काफ़ी पशु आए हुए हैं, तो इनमें भी किसी में प्रेगनेंसी डायग्नोसिस कर रहे हैं, किसी में जो बार बार रिपीट कर रही हैं, बार बार गर्भ नहीं ठहर रहा है उसकी जांच हम कर रहे हैं, ये सभी सुविधाएं यहाँ पे हैं। आपके साथ कुछ भावी डॉक्टर्स भी हमें दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ विद्यार्थी, ये हमारे जो विद्यार्थी हैं 3rd ईयर BBSC के स्टूडेंट है, VS का जो कोर्स कर रहे हैं, और ये सारे ही अभी जैसे कि अगले साल ये
सभी क्लिनिक्स में आ जाएंगे हॉस्पिटल में, तो उस लिए हम इनको पहले से ही जैसे फील्ड में क्या माहौल रहता है उसके लिए एक थोड़ी इंटर्नशिप टाइप का ये काम चल रहा है। आज यहाँ कुछ दवाइयाँ भी मुफ्त में दी जा रही हैं चिकित्सक साथ जी, यहाँ पे आरपीएस की तरफ से साथ में कुछ हमारे एमआरआई हुए हैं दवाइयों के जो मार्केट रिप्रेजेंटेटिव हैं वो लोग आए हुए हैं, उनके सहयोग से यहाँ पे पशुपालकों को फ्री में दवाइयाँ, फ्री में डिवॉर्मिंग, फ्री में मिनरल मिक्सर ये सभी दिया जा रहा है। कैंप कितने बजे शुरू हो गया था और कितनी देर चलेगा? कैंप सर 10 बजे शुरू किया गया था, अभी 2 बजे तक का टारगेट है। तो इसमें सभी पशुपालक अपने पशुओं को लेकर आ सकते हैं? हाँ जी, कोई भी पशुपालक यहाँ पे ले कोई भी पशुपालक यहाँ पे लेके आ सकते। कर दिया उसने बड़ा बचावास भोला बुच्चावास जो है इस घोड़ी के ओनर है। हाँ जी, आज चेकअप कराए? हाँ जी, आज चेकअप। तो पैसे लगे? नहीं, फ्री। फ्री में? हाँ, निशुल्क। निशुल्क, कोई पैसा नहीं लगा? कोई पैसा, कोई रसीद काटी हो? नहीं, कुछ 5-10 रुपए? नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं? हाँ, यहाँ पे फ्री कैंप लग रहा है। फ्री कैंप लग रहा है? बिल्कुल, आरपीएस कॉलेज की तरफ से फ्री है। अच्छा, आपने क्या ये एक बार दिखाना भाई, बुलेट के बांध रखी है घोड़ी इधर नीचे, फिर ये कहीं जाती नहीं ऐसे? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, खुली छोड़ या ताकत आज मार रहे हो भाई, इसमें जाता है या उसमें जाता है? ना, कोई ताकत का हिसाब तो नहीं छोड़ेगी। अच्छा, हाँ, ताकत के हिसाब से बुलेट को नहीं छोड़ेगी? हाँ। अच्छा, तो आज क्या बताया चेक करने के बाद? ये खाली नहीं। अच्छा, हाँ, तो कुछ इसमें समय का बचा हुआ आपका? हाँ, अब ये पता चल गया। हाँ, 50 दिन पे करवा ली ना, तो ये 10 महीने समय बच गया। समय बच गया, हाँ, नहीं तो पता नहीं चलता। हाँ, बिल्कुल। तो आप सोचते कि भाई है और फिर इस पे तो पेमेंट भी पूरी लग रही है ना आगे की? हाँ। 31,000 रुपए हम क्रॉस हो रही है ये। अच्छा, हाँ, तो उसकी 3 महीने की गारंटी होती है। अच्छा, तो अब ये है ना दोबारा उसी पेमेंट में हो जाएगी आगे की। अच्छा अच्छा, हाँ, ये सही बात है। हाँ, चलो, तो आप यही पशु रखते हैं, इसके अलावा भी पशु? नहीं, एक घोड़ी और है अपने। एक घोड़ी और है? यहाँ आए सब सही रहा? हाँ, बिल्कुल बढ़िया। कोई दवाई तो इसकी दी नहीं होगी? नहीं, दवाई नहीं, वहाँ जाएगी कॉलेज। क्या कहेंगे आरपीएस कॉलेज ने इस तरह का जो कैंप लगा इसके बारे में? नहीं, मैं तो बहुत बढ़िया बताऊँ इस चीज़ को, बहुत ही ज्यादा। चलिए, आपका गांव बुच्चावास नाम बोड़ा है, गांव जगड़ोली में। बाकी हम यहां पर खड़े और काफी स्टूडेंट्स जो है ना यहां पर आ रखे जो अपने आप में भावी डॉक्टर्स हैं। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम गौरव जांगड़ा। तो गौरव जांगड़ा जी, यहाँ आए पहले तो ये बताएं इस कैंप में क्या आपने कोई चेकअप वेकअप करा किसी का? जी जी, ये जो डॉक्टर्स हैं हमारे साथ जो आए हैं हमें प्रशिक्षण देने के लिए, और हम लोग इनके साथ आए हैं तो हम साथ साथ देख रहे हैं, और जो जो ये लोग इंजेक्शन वगैरह लगा रहे हैं, जो इनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, हम लोग ये सब देख रहे हैं। हाँ, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम लोग जैसे अपने कॉलेज है वहाँ पर भी हम लोग क्लिनिक्स में चले जाते हैं, वहाँ भी काफ़ी कुछ देखने को मिलता है। बहुत अच्छी बात है जी। तो वहाँ जैसे थ्योरेटिकल भी रहता है? हाँ, प्रैक्टिकल भी रहता है। ये फुली प्रैक्टिकल है? हाँ जी, ये तो 100% ही प्रैक्टिकल है। तो सही बात। तो फिलहाल हमारा 3rd ईयर चल रहा है। हाँ। तो उसमें थोड़ा बहुत हमारा जैसे इंटर्नशिप टाइप में या कह सकते हैं क्लिनिकल्स में थोड़ा बहुत शुरू हो गया। अगले साल जैसे 4th ईयर है उसमें हमारा पूरा ज़्यादातर 70% हिस्सा जो है क्लिनिकल में होगा, और उसके बाद हमारी इंटर्नशिप है उसमें फुल्ली हमें सिखाया जाएगा। इस तरह से गाँव के अंदर निःशुल्क पशु चिकित्सा परामर्श कैंप कॉलेज के द्वारा आगे भी लगाते रहने चाहिए? बिल्कुल, ये लगाते रहने चाहिए और लगाते हैं। हमारे जैसे कॉलेज हैं उसमें हफ्ते में 3 बार ये कैंप लगता है। आज थोड़ा सा जैसे बड़े लेवल पे काम कैंप किया गया है, और शायद आज जो ओनर हैं आरपीएस कॉलेज के वो भी शायद आज पधारने वाले हैं इधर। जी चलिए, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो यहाँ पर और भी काफ़ी जो है ना स्टूडेंट्स हैं इधर, देखते हैं। क्या नाम भैया आपका? रितु सर। तो कुछ सीखने को मिला आज यहाँ पर? हाँ जी सर, बहुत कुछ सीखने को मिला है हमें। हम प्रेगनेंसी डायग्नोसिस जो कर रहे हैं अलग अलग एलिमेंट्स में, जैसे मेयर हो गई, कैटल हो गई, इन सब में हमने देखा, और स्मॉल जो काफ हैं उनके भी हमें देखने को मिला कि उनका इलाज ट्रीटमेंट कैसे कर रहे हैं। जैसे कि उनका फीवर चेक किया है और उनकी डाइट वगैरह के बारे में पूछा है, क्या खिला रहे हैं, क्या दिक्कत है, तो वो सब भी बताया। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, आप कुछ कहेंगे इस कैंप के बारे में, कैसा कुछ सीखने को मिला कि नहीं मिला? आज सर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली हमें, फर्स्ट टाइम है हमारा, हमने कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हमारे डॉक्टर्स हम आए हैं, सब पार्टिसिपेंट्स हैं, देख रहे हैं सर,
इससे सीखने को मिल रहा है सर, अलग अलग केसेस आ रहे हैं, इनके क्या क्या ट्रीटमेंट होते हैं, कैसे हैंडल करना है, क्या टेस्ट होते हैं, ये फर्स्ट टाइम अपॉर्चुनिटी एक्सपीरियंस है सर। क्या नाम बताया आपने? दीक्षा सर। कहाँ से आप? मैं हिसार से हूँ सर। हिसार से, तो फिर यहाँ हॉस्टल में रहते हैं? हाँ जी, हाँ जी सर। हॉस्टल फैसिलिटीज कैसी हैं यहाँ की? हॉस्टल फैसिलिटीज बहुत बढ़िया है सर। आज तो जैसे ये अपने आप में एक प्रैक्टिकल ही है, लेकिन वैसे जैसे वहाँ अगर कॉलेज की बात करें तो कैसी पढ़ाई होती है? कॉलेज में ए फर्स्ट क्लास पढ़ाई है सर, हमारे अलग अलग टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, सारे अपने एरिया के एक्सपर्टीज हैं सबके पास, सारे डिपार्टमेंट जो भी है उनका बहुत बढ़िया है सब। अब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस और प्रैक्टिकल लर्निंग भी स्टार्ट हो गई है हमारी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप लोग क्या कहेंगे? हाँ जी सर, ये जो कैंप लगाया है हमारे लिए, RPS वेटरनरी कॉलेज ने जो लगवाया है, ये हमारे लिए एज अ प्रैक्टिकल वर्क बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो लोकल हैं उनके साथ कैसे बात करनी है, कैसे डील करनी है, ओनर आएंगे, फार्मर्स आएंगे, उनको कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन ज़रूरी होती है, नॉर्मल कौन कौन से केसेस आते हैं ज़रूरी, जनरल केसेस कौन कौन से होते हैं, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है आज का कैंप। तो अच्छा, आपने इस कोर्स को क्यों चुना? जी देखिए, मुझे पशुओं में ज़्यादा रुचि थी एज़ कम्पेयर टू MBBS जो ह्यूमंस के लिए है, उसके लिए। और इसके लिए जो लोकल्स हैं उनके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती और डॉक्टरों की भी कमी है इस फील्ड में, इसलिए इसमें स्कोप ज़्यादा आपके कहने का। जी स्कोप ज़्यादा है। अच्छा, आप कहाँ से? जी मैं भिवानी। भिवानी से, तो आप भी हॉस्टल में रहते हैं? जी। बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ जैसे आपका इंटरेस्ट था इस कोर्स में दाखिला लेने का, आपको क्या लगता है कि जो आपने सोचा था RPS कॉलेज आपको दे पाया? जी, फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं हमारे, जैसे हॉस्टल की फैसिलिटी या आप मान लो कि कॉलेज में पढ़ाई की जो फैसिलिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है। हर एक डिपार्टमेंट्स के 3-3 एक्सपर्ट्स हैं हमारे लिए, हमारे क्लिनिकल वर्क्स होते हैं, टाइम टू टाइम कैंप्स होते हैं, विजिट्स होती हैं काफ़ी जगह, हमने विजिट्स भी किया है जो लोग फैसिलिटीज़ हो, जैसे डेयरी प्लांट की विजिट थी जो हमने की है, तो प्रैक्टिकल वर्क में काफ़ी रुचि है। ठीक है, धन्यवाद। सुबह का बारे में बताई है। अच्छा भाई, टीकाकरण करवाओ और ये खुराक दो और पशुओं को बांटो, साफ रखो। ये तो जानकारी दी एक तो। बिल्कुल। अच्छा, आपका भी कोई पशु है? हाँ पशु है। क्या लेकर आए आप? मेरे को भैंस लाए नहीं, वैसे दवाई ले ली। दवाई ली। अच्छा अच्छा, ये तो यहाँ इलाज कर रहे हैं मतलब? आज ये इलाज भी कर रहे हैं और सलाह भी दे रहे हैं। परामर्श फ्री में दे रहे हैं? पैसा में दे रहे? फ्री में ही दे रहे हैं। फ्री में दे रहे? कोई पैसा वैसा? ना ना ना, कोई 5-10-50 रुपये? ना 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 ना, बिल्कुल निःशुल्क है। निःशुल्क। चलिए धन्यवाद, थैंक यू। आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो डॉक्टर साहब हैं वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं फिलहाल, और ये निःशुल्क कैंप जो है वो RPS मल्टी स्पेशलिस्टी पशु अस्पताल बलाना, यानी आप कह सकते हैं कि वेटनरी कॉलेज जो है RPS का, उनकी तरफ से आयोजित है, जिसमें जो डॉक्टर्स हैं वो तो हैं ही, लेकिन भावी डॉक्टर्स यानी जो कॉलेज के विद्यार्थी हैं वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं, और अनेकों ग्रामीण अपने पशुओं को लेकर आ रहे हैं और जाँच करवा रहे हैं, साथ में अगर कोई किसी भी प्रकार की दवाई की ज़रूरत है तो दवाई भी यहाँ पर मिल रही है, बांटी जा रही है यहाँ पर। हाँ जी, पेट के कीड़ों के लिए हमारे पास आया ओक्सोल के नाम से, एक वेट्स फार्मा की कंपनी की गोली आती है जी। अच्छा। जो बहुत अच्छी प्रोडक्ट है जी, इससे अंदर के जो परजीवी है वो सभी ख़त्म हो जाते हैं, और ये हर फार्मर भाई को हर 3 महीने के अंदर बड़े पशु को देने चाहिए, छोटे काफ के लिए 15-20 ml की सरफ देनी चाहिए, इससे काफ का अंदर का जो परजीवी वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आप हमारी कंपनी का एक प्रोडक्ट आता है लाइफर। अच्छा। ये लाइफर अगर आप किसी काप को या बड़े पशु को देते हो उसकी ग्रोथ होती है, ग्रोथ होगी तो फार्मर को लिए खुशहाली आएगी जी, जो जितना ज़्यादा खून बनेगा उतना ही दूध बढ़ने में कैपेसिटी होगी। रक्षा तो आज यहाँ पर फ्री में दिया जा रहा है? हाँ जी, आज इस कंपनी में फ्री में दिया जा रहा है ओक्सोल, प्रोफीमिन पोर्ट, जिंकोमिन बोलस, जो इड में लाने में। और कितने के जैसे आपसे जो पशुपालक हैं वो अभी तक ये प्राप्त कर चुके हैं? ये हमसे कम से कम 50-60 के करीब पशुपालक भाई आज अभी तक ले चुके हैं जी। चलिए ठीक है। RPS कॉलेज का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि उन्होंने हमारे इस मौका दिया, धन्यवाद सर आपका भी। वेट्स फार्मा की तरफ से आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो भावी डॉक्टर्स तो हैं ही, लेकिन जो आज वर्तमान में डॉक्टर हैं और जिनके दिशा निर्देश में पूरा कैंप चल रहा है उनसे बातचीत करते हैं,
जी सर, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ में। नमस्कार। क्या कहेंगे इस कैंप के बारे में, किस तरह का ये कैंप है और कितने पशुपालकों ने इसमें फ़ायदा उठाया? सर, ये कैंप जो ऑर्गेनाइज किया गया है ये RPS कॉलेज की तरफ से, वेटनरी कॉलेज की तरफ से किया गया है। RPS का जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है पशुओं का, उनके आज लगभग सभी विशेषज्ञ, सभी विषय से, चाहे वो मेडिसिन है, सर्जरी है, गायनी है, उनके सभी विशेषज्ञ यहाँ आए हुए हैं। और मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ हमारे सरपंच साहब का, सोनी जी का, जिन्होंने ये मौका दिया। और सबसे बड़ा योगदान आज के इस कैंप के अंदर हमारे RPS के श्री मनीष जी, जो कि मैनेजमेंट के हमारे मुख्य डायरेक्टर हैं, और हमारे रजिस्ट्रार साहब हैं श्री देवेंद्र जी, और हमारे डीन साहब डॉक्टर भारद्वाज साहब, इन सब ने जो हमको सहयोग दिया है। और यहाँ जो सब तरह की सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं, यहाँ पे टेस्ट भी किए जा रहे हैं, यहाँ पे आने वाले हर तरह के पशु का, गाय भैंस भेड़ बकरी घोड़ा, सभी का, सभी प्रकार का उपचार किया जा रहा है। यहाँ तक कि यहाँ के जितने भी पशुपालक आए हुए हैं, यथासंभव यहाँ पे 4 कंपनियों के लोगों को बुलाया गया है, फार्मा वालों को, और उनके माध्यम से उनको निःशुल्क दवा का वितरण भी किया जा रहा है। RPS की तरफ से जो कैंप में भी जो सुविधाएँ हैं उनमें भी निःशुल्क दवा का वितरण किया जा रहा है। इसके अलावा उनको ये जानकारी दी गई, हमारे पास में लगभग RPS से विषय विशेषज्ञ लगभग 10 या 12 फैकल्टी मेंबर्स आए हुए हैं, उनके द्वारा उनको हर विषय की जानकारी दी गई है। उनको ये बताया गया है कि RPS में क्या क्या सुविधाएं एक आम पशुपालक के लिए उपलब्ध हैं, और एक आम पशुपालक को अगर अपनी आर्थिक उन्नति करनी है पशुपालन के माध्यम से, तो उसके लिए विशेष जानकारी हमारे सभी विषय विशेषज्ञों ने इनको दी है कि उनको क्या करना चाहिए और पशु प्रबंधन, पशु पोषण किस तरीके से करना चाहिए ताकि उनको पशुपालन से अधिक आमदनी आय प्राप्त हो सके। अच्छा, एक सवाल था मेरा कि जिस प्रकार से यहाँ पर कैंप लगा, पशुपालक आए, फ़ायदा उठाया, क्या इस प्रकार से RPS कॉलेज के कैंपस में भी पशुपालक आ सकते हैं अपने पशुओं को लेकर किसी भी चिकित्सा परामर्श लेने के लिए? जी हाँ, बिल्कुल सही पूछा आपने। पशुपालन के से जुड़े हुए जितने भी पशुपालक भाई हैं, वो RPS के दरवाजे, उनके लिए हॉस्पिटल के दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। यानी कि RPS मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल उनको 24 घंटे की सेवाएं प्रदान कर रहा है। कोई भी पशुपालक अपने पशु को लेकर के किसी भी समय, किसी भी इमरजेंसी में वहां आ सकता है। उसको जो सुविधा दिन में प्राप्त हो रही है वही की वही सुविधाएं, वो चाहे किसी भी समय आता है तो वहां उपचार की, जांच की सब सुविधाएं उसी भांति उसको सदैव उपलब्ध रहेंगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो साथियों, आज हम यहां पर पहुंचे थे जो कैंप लगाया गया है गांव जगड़ोली के अंदर, RPS वेटनरी कॉलेज की तरफ से। इस कैंप के अंदर यहाँ पर 22 डॉक्टर्स और साथ में जो डॉक्टर्स हैं अभी वर्तमान में जो वेटनरी कॉलेज RPS के अंदर कार्यरत हैं, वो सभी यहाँ पर पहुँचे, चिकित्सा परामर्श दिए, साथ में कुछ दवाइयाँ भी जो हैं मुहैया करवाई गई हैं। और सभी, सबसे अच्छी बात यह है कि ये निःशुल्क कैंप रहा, और इसके अंदर जो गांव के ही नहीं, नज़दीकी गांवों के लोगों ने भी आकर इसमें अपने पशुओं की जांच करवाई है। और जैसा कि हमने कुछ पशुपालकों से आपकी बातचीत भी करवाई, उनको इस चीज़ से फ़ायदा भी हुआ। तो आपको कैसी लगी ये कवरेज, जो आप कह सकते हैं कि एक सकारात्मक कदम है RPS वेटनरी कॉलेज की तरफ से, ये इसके बारे में आप क्या कहेंगे और क्या कहेंगे इस पूरी कवरेज के बारे में, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।